जय श्री राधे। आज मैं श्री धाम वृंदावन में और सौवरी ऋषि की तपस्या स्थली के निकट श्रीजीपुरम में यहाँ पर आज मैंने देख रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर श्रावण मास में और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक रहा। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दीपदान भी यहाँ पर आज किया गया है। और हमारे मध्य में हमारे वृंदावन के बहुत ही उच्च कोटि की प्रवक्ता विपिन बापू जी हैं, अशोक जी हैं, मोहित स्वरूप जी हैं, हमारे श्याम जी हैं। ये सब यहाँ पर डेली इनका यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहभागिता भी रही है। और इस कार्यक्रम को पूर्ण कराने के जो विचार आया है हमारे साथ मध्य में मोहित स्वरूप जी हैं सीधाम वृंदावन से, बहुत ही अच्छे मोहन जी, मनोज जी, मनोज जी, जय श्री राधे भैया। और ये हमारे साथ में हमारे परम मित्र मेरे बचपन के मनोज मोहन शास्त्री डॉक्टर साहब, और बहुत ही छोटी सी अवस्था से इन्होंने भागवत प्रारंभ की। मैं मनोज जी से ही थोड़े से सवाल करूंगा कि ये जो श्रावण मास का जो महीना गया चल रहा है, अभी लास्ट होने को आ रहा है, और जी आप देख रहे हैं, इसके विषय में आप क्या विचार है आपका, और इस विषय में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रावण मास में सोमवार का जैसे महत्व है, श्रावण मास में पूरे श्रावण में भगवान शंकर का अर्चन का महत्व है, लेकिन आज ये विशेष पर्व ये है कि शनि प्रदोष है, और शनि प्रदोष में भगवान शंकर का यदि अर्चन किया जाए, हस्तेक्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जिह्वाग्रभागे बर कृष्ण मंत्रम यनमस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागत भागवतम नमामि। भगवान श्री शंकर जी महाराज परम वैष्णव हैं, और देखिए सबसे बड़ी इनकी अर्चन की विशेषता ये है कि भगवान शंकर जब अपना अर्चन करवाते हैं तो कहते पहले पूरे पूरे प्रकार का करो, गणेश जी का होगा, अंबे जी का होगा, खडानंद का होगा, और तो और अपने नंदीश्वर का करवाएंगे, इससे भी वीरभद्र का करवाएंगे, और सर्पराज का करवाएंगे, बाद में फिर वो अपना करवाते हैं। एक आप और देखें कि जैसे हम सब लोग आरती गाते हैं कि जैसे ओंकारा, हम लोगों ने अभी तक इस आरती को केवल शंकर जी से जोड़ करके समझा है, किंतु आप देखें, आप पूरी आरती को पढ़ लें, उसमें भगवान शंकर के साथ में ब्रह्मा जी पहले, कहीं नारायण पहले, हंसासन, गरुड़ासन, वृषभासन साजे, अब आप देखिए श्वेतांबर, पीतांबर, बाघंबर राजे, ये इसका मतलब एक निचोड़ दे दिया कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी जो ओंकार है, भगवान शंकर कहते केवल मैं नहीं, मैं अपने परिकर को लेकर चलता हूं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है, जो भगवान शंकर का यजन करता है, समझ लीजिए सनातन धर्म के समस्त देवताओं का उसने यजन और अर्चन कर लिया। और यहां पर मैं देख रहा हूं हमारे जो उदीयमान और युवा भागवत कथा प्रवक्ता हैं, और मेरे तो मित्र के पुत्र हैं, तो मेरे लिए तो पुत्रवत ही हैं, मोहित स्वरूप जी गौतम, उन्होंने यहां पर देखा, आचार्य जी ने जब मुझको बतलाया कि यहां पर दीपमालिका मनाई जा रही है, तो 5 अगस्त से पहले जो आज हम लोग सब आनंदित हैं श्री अवध में जो शिलान्यास हो रहा है, आज मैंने भागवत में ये कहा था चैनल के माध्यम से, श्री मंजरी चैनल के माध्यम से, कि श्री अवध में जो 5 तारीख को शिलान्यास हो रहा है, वो असंख्य विश्व में जो पहले हुए सनातन धर्मी और राम भक्त हैं उनकी आस्था का स्थापना दिवस है। वो शिलान्यास तो है ही है, लेकिन उनकी जो आस्था है, उनकी जो निष्ठा है, वो स्थापित होगी श्री अवध में 5 अगस्त के दिन। यहाँ पर उससे पहले हम दीपावली मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर की शिलान्यास के समय भगवान शंकर भी आनंदित हो रहे हैं। जब लंका गए तब शंकर पूजा, और अब अवध में लौट करके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 14 वर्ष के बाद वनवास उनका पूरा हो रहा है, और असली वनवास तो अब पूरा हो रहा है, जहां पर भगवान श्री शंकर के उस श्रावण मास की उपस्थिति के बाद भद्रम करणे भी शुणयाम देवा, अब भाद्रपद मास में और 5 अगस्त के दिन
भगवान श्री राम का अवध में मंदिर का शिलान्यास होगा। मैं तो इसी रूप से देखता हूँ कि हम लोगों की दीपावली है, हम लोगों के वैष्णव भगवान। और असली बात एक बात और देखिए, विश्व में केवल और केवल और केवल श्री धाम वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर मूछों वाला, डमरू वाला, जटाजूट वाला घूंघट बना लगा करके बैठा है, जहां पर नथ पहन कर बैठा है, ऐसी गोपेश्वर की भूमि से, ऐसी श्री धाम वृंदावन की भूमि से हम सबके लिए शुभकामना देते हैं। विशेष करके महेश स्वरूप जी के लिए, हमारे यहाँ विपिन बापू जी बैठे हैं, आचार्य श्री अशोक जी व्यास रामाणी बैठे हैं, हमारे आचार्य श्री श्याम सुंदर जी ब्रजवासी जी बैठे हैं, आचार्य राजेश कृष्ण जी बैठे हुए, ये आज आप देख रहे हैं रामायणी, भागवती, रासाचार्य सब आज यहाँ पर एकत्रित हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। आज दिल से जय जयकार निकल रही है कि प्रभु टाट से ठाट में विराजेंगे। जैसा कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे परम मित्र मनोज जी ने वर्णन किया, और वास्तविक में देखी जाए तो हम जो दीपावली मनाते अभी तक आ रहे हैं, परंतु अब हमारी जो दीपावली बन रही है वो 5 अगस्त को ही हकीकत में हमारी दीपावली बनने जा रही है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बतलाया। और ये हमारे मध्य में जो इस कार्यक्रम को पूर्ण कराने का जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया था, हमारे मध्य में मोहित स्वरूप जी हैं, तो ये कब से आपके मन में जागृति हुई है? जय जय श्री राधे। ये श्रीधाम वृंदावन में बहुत ही सुंदर ये आयोजन यहाँ हुआ, और हमारा ये संकल्प था कि श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर 51 महारुद्राभिषेक का ये आयोजन रहे, जिसमें कि इक्षुधारा और श्री फल के रस से और गौ माता के दुग्ध से यह अभिषेक पूरा हुआ। तो आज 51 रुद्राभिषेक पूरा होने के एक हर्ष में यहाँ 551 दीपकों की यहाँ सेवा की गई, मानो रामलला की खुशी में यहाँ शिव दीपावली मनाई गई है। और बहुत सुंदर सुंदर संत यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत इनके चरणों में मेरा प्रणाम, और सभी देशवासियों को मेरा जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने शब्द कहे कि जो एक श्रावण मास के महीने में और 51 रुद्राभिषेक जो नित्य प्रति यहाँ पर रहा और आज वो पूर्ण हुआ है, तो 551 दीपकों के द्वारा इन्होंने और शंकर भगवान को प्रसन्न किया ओम के श्रुति के माध्यम से। और ये हमारे देखिए आप दर्शन करें, हमारे भोले बाबा के भी बहुत ही सुंदर स्वरूप में दर्शन भी हो रहे हैं, और हमारे साइड में लड्डू गोपाल जी भी विराज रहे हैं, और हमारे सामने में चित्रपट में आप नज़र करेंगे जगत गुरु श्री श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश श्री जी महाराज जी। बोलो राधे राधे। बहुत ही सुंदर और 1 महीने का रुद्राभिषेक पूर्ण हुआ है, उसकी उपलक्ष में यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर ये दीप उत्सव मनाया गया है। और ये हमारे श्रीधाम वृंदावन के बहुत ही अच्छे यहाँ के व्यास हैं, कथा वक्ता हैं, जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण सुना रहे अपना। ये मोहित स्वरूप जी खड़े हुए हैं, उनके साथ में श्याम जी हैं, विपिन जी हैं, और अशोक जी हैं, हमारे राजेश जी हैं, बहुत ही अच्छे ये प्रवक्ता हैं हमारे श्री राम वृंदावन के। और ये ईश्वर महादेव, ईश्वर महादेव बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये दृश्य हमको देखने के लिए मिल रहा है इस जगह में। आनंद दाता पुरारी जानामि योगं जपं नैव।